यार इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, चल पतंग उड़ाते हैं। यार आइडिया बुरा नहीं है, साला बोर होने से अच्छा है तो पतंग ही उड़ा लें। पर मुझे नहीं लगता था तुझे पतंग उड़ानी आती है। मैंने कब कहा कि मुझे पतंग उड़ानी आती है? अबे अभी तो बोला पतंग उड़ाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि मुझे पतंग उड़ानी आती है। तू पतंगबाजी के कंपटीशन में इतना खोया हुआ था, मुझे लगा तुझे आती होगी। अबे साले मुझे तो पता भी नहीं है पतंगबाजी का कंपटीशन हो रहा है। अबे चल छोड़ यार, अब ना तुझे आती है ना मुझे आती है, क्या करें यार। लानत है तुम पे। पतंग उड़ाना भी नहीं आता? हाँ जी, आपकी तारीफ। We are the flying squad. हम तुम जैसे निकम्मों को पतंग उड़ाना सिखाते हैं। देखिए मैडम। Shut up. फालतू बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। ये बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? अरे मैम, क्या बात कर दी। I'm single. Me too. ओह, इतना चौड़े होने की जरूरत नहीं है। पतंग उड़ाने और लड़की पटाने में क्या कनेक्शन? बेटा अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। अच्छा, तो ऐसा है? हाँ। So are you ready to learn how to fly a kite? तो सबसे पहले हम पतंग में देखते हैं उसके कर्व्स। हेलो, इधर। वी हैव टू इंश्योर कि ये ना ही ज्यादा बेंड होना चाहिए और ना ही एकदम सीधा। ऑल्सो द वेट हैज टू बी आइडियल। सही बात है। एंड नाउ वी हैव टू कनेक्ट विद हर। फॉर दैट वी हैव टू हिट द राइट स्पॉट्स। सो वी विल मेक टू होल्स एट द टॉप एंड टू होल्स एट द बॉटम, और कम से कम 6 से 9 इंचेस का गैप होना चाहिए। और अब हम इन होल्स में डालेंगे मांजा, ऐसे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट, द इक्विडिस्टेंट नॉट। इक्विडिस्टेंट नॉट? हाँ, टॉप होल्स और बॉटम होल्स के बीचों बीच एक नॉट बंधेगी, ऐसे। ओह, आई सी। ये तो हो गया हाउ टू प्रिपेयर अ काइट। नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई हर। याद रहे, मांझा वो चीज है जो तुम्हें और तुम्हारी पतंग को साथ रखता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इट्स शार्प, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे और तुम्हारी पतंग के बीच में आए तो वो सही सलामत वापस नहीं जाना चाहिए। एकदम सही बात की आपने। अब जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ हम अपनी पतंग को हवा में छोड़ेंगे। पर अब जब हमारी पतंग हवा में उड़ रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ करने वाली और भी पतंग हवा में उड़ रही होंगी। अरे उनकी तो मैं। रिलैक्स। जैसे जैसे दूसरी पतंग तुम्हारी वाली के पास आती रहेगी, तुम्हें अपना मांझा टाइट करके रखना है, और जैसे ही दूसरी पतंग का मांझा तुम्हारे साथ उलझे, काटी।